प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। पिछले हिस्से में हमने खारजा पॉलिसी के मफहूम का मुताला किया। अगले हिस्से में हम खारजा पॉलिसी मुतय्यन करने वाले अवामिल का मुताला करेंगे, जिसमें नंबर एक है मुल्क का जुग्राफियाई महल वकूँ, नंबर दो है सियासी निज़ाम, नंबर तीन है मईशत और नंबर चार है सियासी क़्यादत जैसे अवामिल शामिल है। अब यहाँ पर हम नंबर एक लेंगे मुल्क का जुग्राफियाई महल वकू, जिसमें किसी मुल्क का रकबा, आबादी, ज़मीन की किस्म, मुल्क को मैसर साहिली इलाका, कुदरती वसाइल जैसे हवा, पानी, सूरज की रोशनी वगैरह अवामिल पर खारजा पॉलिसी का तायुन किया जाता है। नंबर दो है सियासी निज़ाम। सियासी निज़ाम में पार्लियामेंट को खारजा पॉलिसी बनाने में अहम मुकाम हासिल होता है। पार्लियामेंट बहस व मुबाहसा के ज़रिए पड़ोसी ममालिक को मद्देनज़र रखते हुए खारजा पॉलिसी तैयार करती है। इसके बाद नंबर तीन है मईशत। मुल्क की मईशत को मजबूत करने के लिए दरामदार बरामदार आलमी तजारत जैसे अवामिल खारजा पॉलिसी पर असरंदाज होते हैं। अब यहाँ पर दरामद बरामद और आलमी तजारत किसे कहेंगे, कोई मुझे बताएगा दरामद बरामद और आलमी तजारत का मतलब क्या है? हाँ, शाबाश प्यारे बच्चों, दरामद यानी कोई सामान बाहर के मुल्कों से ख़रीदना दरामद कहलाता है। मिसाल के तौर पर भारत का पेट्रोल डीजल दूसरे ममालिक से ख़रीदना। अब बरामद यानी कोई सामान बाहर के मुल्कों को बेचना बरामद कहलाता है। मिसाल के तौर पर भारत का दूसरे मुल्कों को गरम मसाले, चाय, कॉफ़ी, कपास वगैरह चीज़ें बेचना। अब यहाँ पर तीसरी चीज़ है आलमी तिजारत। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि किसे कहेंगे तिजारत, तिजारत के क्या मानी है? ये लफ्ज़ हम पिछली जमातों से पढ़ते चले आ रहे हैं। शाबाश, तिजारत यानी ख़रीदो फरोख्त करना, लेन देन करना। आलमी तिजारत यानी मुल्कों के दरमियान होने वाली तिजारत। मिसाल के तौर पर भारत से जापान, चीन, ब्राज़ील, ये तिजारत आलमी तिजारत कहलाती है। इसके बाद खारजा पॉलिसी का अगला पॉइंट है सियासी क़्यादत। इसमें वज़ीर आज़म, वज़ीर खारजा, वज़ीर दिफा, वज़ीर मालियात खारजा पॉलिसी की तश्कील में नुमाया किरदार अदा करते हैं। पंडित नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी ने खारजा पॉलिसी में नुमाया किरदार अदा किया है। ये तमाम अवामिल खारजा पॉलिसी मुतय्यन करते हैं।